हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रश्मि सचान और स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ मेरे पास देख रहे हैं, दो बड़े साइज़ के मैंने आलू काट के रखे हैं बड़े बड़े टुकड़ों में, और ये अमृतसरी वड़ियाँ हैं। मैंने यहाँ पर चार वड़ियाँ रखी हुई हैं आपको दिखाने के लिए कि कुछ इस तरह की वड़ियाँ होती हैं। ये बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं स्टोर्स में और सुपरमार्केट में भी, तो देख पा रहे हैं ये बड़ियाँ मैंने यहाँ पर चार आपको दिखाने के लिए ली है, लेकिन मैं सिर्फ दो का इस्तेमाल करूँगी। दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इसे मैं छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ, क्योंकि इनका साइज़ आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हमें इन्हें डीप फ्राई तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम डीप फ्राई करके तो कुछ बना नहीं रहे हैं। और तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर एक साइड मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी में हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस सब्ज़ी में ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अदरक लहसुन का रेडीमेड पेस्ट है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग डाला हुआ है। आप इसको प्याज के साथ पीस सकते हैं अदरक और लहसुन को। अदरक लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाल लें। और आलू के टुकड़े मैंने यहाँ पर काफ़ी बड़े काटे हुए हैं, मोटे मोटे, जिससे कि ये मैश ना हो। और यहाँ पर दो प्याज का पेस्ट है मेरे पास, दो मीडियम साइज़ की प्याज का, तो उसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, एक बड़ा चम्मच आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च आप स्वाद के अनुसार जितना तीखा खाना पसंद करें, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं, थोड़ा अभी डाल लीजिए। इसे कर दीजिए मिक्स और एक साइड रख दीजिए, जिससे कि जो सूखे मसाले हैं वो अच्छी तरह से हल्दी के साथ में, सॉरी प्याज के साथ में मिक्स हो जाएं और फूल जाएं। अब हम लेंगे कुकर, कुकर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, फ्लेम को हाई कर लिया है। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, दो से तीन चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रहे हैं, दो से तीन छोटा चम्मच डाला गया है। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम ये अमृतसरी वड़ी डाल देंगे। आपके पास कोई भी दाल वड़ी हो आप उससे इसको बना सकते हैं, और इन्हें हमें करना है अच्छी तरह से फ्राई। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, इसके तुरंत बाद ही हम आलू डाल देंगे, लगभग एक मिनट तक इनको भूनने के बाद, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये रहेंगी तो जल सकती हैं। और इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बड़ी होती है, इन बड़ियों का जो टेस्ट है थोड़ा सा खट्टा होता है, हल्का खट्टा होता है। अब इसमें आलू डाल लेंगे, साथ ही साथ आलू को भी हाई फ्लेम पर हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से होता ये कि सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अगर आप डायरेक्ट मसाला भून कर इसको कच्चा ही डाल देंगे तो सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इस तरह हाई फ्लेम पर देख पा रहे हैं, फ्लेम को एडजस्ट करते रहिएगा अगर जलने लगे तो। आलू देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये भुन गई है, और इसका आलू का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो चला गया है। अब उसे हम खाली कर लेते हैं कुकर को। तो मैंने कुकर से जो आलू और बढ़िया थी निकाल कर एक तरफ रख दी है। अब हम इसमें चार बड़े चम्मच तेल डालेंगे, हमें मसाला भूनना है। अगर आप और भी अच्छी दिखने में लजीज सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो जो हमने मसाला तैयार किया था उसे डाल देंगे। अब इस मसाले को भूनना है अच्छी तरह से। जब भी अगर आप देखते होंगे कई बार कि सब्ज़ियाँ देख खूब तेल जो है उनमें तैरता रहता है, और दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव रखती हैं, बहुत ही लाल दिखती हैं, जो जिन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरह की सब्ज़ियाँ बनाने के लिए आप तेल का इस्तेमाल जब ज़्यादा करेंगे तो तेल बाद में तैरता हुआ आपको दिखाई देगा ऊपर, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर आप तेल अपनी मर्ज़ी से डालिए। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है यहाँ कलर के लिए। तो अगर आप भी पसंद करते हैं इस तरह से खाना जो दिखने में भी अच्छा हो और स्वादिष्ट भी हो, तो कश्मीरी लाल मिर्च को अपने किचन में ज़रूर रखें और एक बड़ा चम्मच उसका डालें, तो आपकी सभी सब्जियों में अच्छी रंगत आ जाएगी कम तेल पर। और अब यहाँ पर हम गरम मसाला डाल देंगे एक चम्मच, अच्छी खासी क्वांटिटी में, और इसे कर देंगे मिक्स। तो देख रहे हैं प्याज को कुछ इस तरह से भूनना है जब ये सेंटर में इकट्ठा होने लगे और नीचे नीचे थोड़ा सा लगने लगे, क्योंकि प्याज अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो आप सब्ज़ी में कितने भी मसाले डाल लीजिए, सब्ज़ी में जो खुशबू होती है अच्छी सी, एक सौंधापन होता है, वो कभी नहीं आएगा। अब मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है भूनकर, तो हम इसमें जो हमने तली थी अपनी बड़ी और आलू, देखिए आलू का कलर कितना अच्छा आया है तलने के बाद में, और बहुत ही कम तेल में हमने इन्हें तला था, तो अब इसे भी मैंने डाल दिया है। इसे इन्हीं मसालों के साथ हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल यही रेसिपी फॉलो करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, वो भी कम समय में। तो अभी देख रहे हैं मसाला नीचे लगने लगा है थोड़ा सा, क्योंकि मसाला काफ़ी टाइट था, अच्छी तरह भून लिया गया था। तो मैं इसमें बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी, बिल्कुल दो चम्मच के लगभग, जिससे कि जो मसाला है वो जले नहीं और जो हमारे वड़ी और आलू है वो मसाले में अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए मसाले की। तो अब आप देख पा रहे हैं पानी डालने के बाद में मसाला कितनी अच्छी तरह लिपट गया है, और कलर तो आपको दिख ही रहा होगा बहुत बढ़िया। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे,
जितना आप डालना चाहें एक ग्लास के लगभग। तो आप देख पा रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से कितना अच्छा कलर आया है अभी से आया, पकने के बाद इसकी रंगत और भी अच्छी हो जाएगी। नमक आप यहाँ पर टेस्ट कर लीजिए, कम लगे तो और मिला दीजिए। और अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे, ढक्कन लगा दीजिए, 4 सीटी लगा लीजिए। हाई फ्लेम पर आपको 3 से 4 सीटी लगानी है, वो भी जल्दी जल्दी, जिससे कि आलू भी ना गले और सब्ज़ी पक भी जाए। तो देख पा रहे हैं मैंने पानी ज़्यादा नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा अगर ग्रेवी रख देते हैं तब भी सब्ज़ी उतनी स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो कुछ इस तरह की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है, देख पा रहे होंगे बहुत ही लजीज लग रही है। ये चावल के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, आप इसे चपाती, पराठा, पूरी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर एक प्लेट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं है तो मैं इस गहरी प्लेट में, हल्की सी गहरी है, इसमें मैंने निकाल लिया है। और अभी इस मौसम में धनिया मार्केट में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं इसे कसूरी मेथी से गार्निश कर रही हूँ। कसूरी मेथी का तो अपना ही एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर होता है, तो आप भी इसी तरह से इसे बना सकते हैं और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। मिलूँगी फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।